व्हाइल लूप का एक छोटा सा यूज देखेंगे आप। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा ये आप मुझे पहले बताइएगा। यहाँ पर देखिए एक्स में मैं 1 2 3 असाइन कर रहा हूँ, ये एज अ स्ट्रिंग असाइन हो रहा है, ठीक है, ये एज अ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं असाइन हो रहा है, ये एज अ स्ट्रिंग असाइन हो रहा है। और यहाँ पर लूप लगाऊंगा फॉर आई, ठीक है, और इन यहाँ पे लिख दूंगा एक्स, ठीक है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे प्रिंट ए को अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं किसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ए को प्रिंट करवा रहा हूँ, डोमिनेटेड कोट्स या सिंगलेटेड कोट्स में ए है, यहाँ पे देख सकते हैं आप डोमिनेटेड कोट्स में ए लिखा हुआ है। तो ऐसे में आउटपुट क्या आएगा, देखिए आउटपुट तो यही आएगा, ए ही आएगा और 3 बार ये आएगा क्योंकि एक्स में यहाँ 3 टाइम ये असाइन है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यहाँ से मैं रन करवा देता हूँ डायरेक्टली, ये देखिए यहाँ पर 3 टाइम ए ही प्रिंट हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर इसी में मैं 1 2 3 4 स्टोर करा देता हूँ तब क्या होगा, तब 4 टाइम ए प्रिंट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है।